फिल्म लाइन में अगर आपको मुंबई में आके कामयाब होना है और आपको नहीं पता है कि किस तरह से कामयाब होते हैं, तो मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने वाला हूँ जो बेचारे बिल्कुल गरीब थे। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल गरीब हूँ, क्या गरीब कोई एक्टर नहीं बन सकता? लेकिन इसी गरीब को उन्होंने अपने नाम के आगे लगा लिया और कह दिया कि हाँ जी, मैं गरीबों का एक्टर हूँ। और वही है हमारे साथ कल्याण जी। और कल्याण जी बिल्कुल गरीबों के एक्टर हैं, अपने नाम के आगे उन्होंने गरीब लगा लिया ताकि कोई भी गरीब उनसे यानी उनके दरवाजे से खाली हाथ ना जाए, क्योंकि गरीब एक गरीब को ही प्यार देता है। तो ये एक्टर ऐसे हैं जो गरीबों को ही प्यार देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मुंबई में आके आपको कोई प्यार नहीं दे रहा है, तो एक नाम आपके पास ज़रूर रहेगा गरीबों का एक्टर कल्याण जी। ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं महसूस होगी, क्योंकि आप अगर स्मार्टफोन चला रहे हैं तो इसी स्मार्टफोन के किसी गूगल के कोने पे आप इनका नाम ही टाइप कर दीजिए, ये बिल्कुल वहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी अब दे दिया है आपको, तो जो नए स्ट्रगलर हैं इनकी पूरी बात सुन लीजिए और पूरी बात सुन के ही तब इनसे संपर्क करना, क्योंकि ये आपसे आपकी एक्टिंग मांगेंगे, आपका पैसा नहीं। मैं हूँ आप सभी के गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना, और आप लोग मुझे देखते हो और आप लोगों को सबसे प्यार, सबका प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि मैं कोई बड़ा नहीं हूँ। लेकिन सर ये टाइटल कैसे आपने अपने ऊपर बना लिया है, गरीबों का एक्टर, ये क्या, ये इसकी कहानी क्या है? बेसिकली मैं जब किसी को मिलने गया, मतलब कैला जी जाना बोला, तो लोगों ने बोला सर बहुत सारा कुछ काम किया मैंने कांदीवली में, बहुत जगह कुछ काम किया। तो बोले सर आप ऐसे आदमी हो जिसको फ़ोन करके बुला सकते हैं, जैसा हमारा बर्थडे पार्टी में आओ, शादी में आओ, बाकी इधर भी आओ, तो आपको बोल सकते हैं फ़ोन करके। लेकिन बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उनको हम फ़ोन नहीं कर सकते, उनका नंबर नहीं है, तो आप हमारे गरीबों के एक्टर हैं, क्योंकि आपसे हम बात करते हैं, आपसे हम बुला सकते हैं, और आपसे आप दो शब्द की कमेंट कर वो कर सकता है, तो इसलिए आप हमारे गरीबों के एक्टर हैं। कल्याण जी, हाँ जी, आप गरीबों के एक्टर तो है ही है, लेकिन हमने देखा है आप सोशल एक्टिविटीज़ भी हमेशा करते रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कई बार हमने देखने को मिलता है कि जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इंटरेस्ट रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। परफेक्ट, हाँ। लेकिन आप वो पहले इंसान हैं, हमने खुद लाइफ देखा है आपको, हाँ जी, कि कोई भी इंसान बीमार रहे, कोई इंसान दुखी में हो, तो डेफिनेटली आप सबसे आगे पहले पहुँचते हैं, ये कैसे पूरा कर लेते हैं आप मैनेज? बेसिकली सबसे बड़ी बात है इंसानियत, वो इंसान के अंदर ये होना चाहिए। इंसानियत जो एक शब्द है ना सर, ये जो लफ्ज़ है ना सर, बहुत बड़ा लफ्ज़ है, एक शब्द है, तो ये इंसानियत हम मैं निभाता हूँ। बेसिकली मेरे पिता माता गुरु ने यही सिखाया, जो सबसे पहले आप उनको हेल्प करो, अगर उसको वो खुश है तो आपका ज़िंदगी भी खुश होगा। तो मैं बेसिकली एक्टर तो मैं बनने नहीं आया था, जब मैं गाँव में था, तो मैं चार तक मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं उस गांव से हूँ जिस गांव का नाम है मेदिनीपुर। वो गांव में आज भी मतलब लोग गरीबी है वहाँ पे, क्योंकि इतना गरीब है वहाँ पे देश। और सबसे बड़ी बात है जो देश इसलिए वो गरीब है क्योंकि वहाँ पे जो पहले नेता थे उसका नाम है CPM, तो हमें पूरा गरीब कर दिया था, तो ऑलरेडी हम गरीब हैं। और उस देश से हूँ, कभी हमारा पास TV नहीं था उस ज़माने में, जब मैं बॉम्बे में आया था तो TV नहीं हुआ करता था, एक ब्लैक एंड वाइट TV था। गांव के जो मुखिया था वो घर में थे, तो सुबह सुबह वो संडे को 11 बजे एक शो आता था, तो वो सबसे पहले मैं जाके वहाँ पे मैं बैठते थे, मुझे वो शो देखना है। तो मम्मी मेरा बहुत TV देखने के लिए, वो फिल्म देखने के लिए बहुत शौक था, तो मम्मी मुझे पकड़ के मुझे फिल्म देखने जाता, तो मैं देखता था बॉम्बे में बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े घर हैं। मैंने बोला ये बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े घर, एक्चुअली बॉम्बे में AC है क्या बाहर? तो मैंने किसी को, तो गांव से बहुत से लोग बॉम्बे में काम करने के लिए आए, तो पूछा उनको, भाई वो बाहर AC है क्या? मतलब भाई AC वैसे नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा वो शहर है, तो बॉम्बे। तो मैंने 4 तक पढ़ा हूँ लोगों के मतलब, तो मैंने अपना मम्मी को बोला, जब मम्मी मुझे बॉम्बे जाना है, तो बोलता है बेटा पढ़ाई कर, बॉम्बे मत जा, तू 4 तक पढ़ा है, तू पढ़ाई नहीं करता है, तू फेल होता है, तो हर बार मैं फेल होता हूँ। तो मैं अभी मेरा एज था 12 साल का, और मुझे नहीं वो आने दिया, तो मैंने स्कूल का साइकिल को मैंने बेच दिया, और बेचने के बाद कुरमुरा बांध के मैंने एक चड्डी पहना था, मैं तो पहन के मैंने कुछ पैसा था चोरी किया था मैं मम्मी की जेब से मतलब पॉकेट से, तो मैंने ट्रेन में बैठ के, मैंने टिकट, मेरा पास उतना पैसा नहीं था, तो मैं ट्रेन में एक बाथरूम है संडे बाथरूम में बैठ के, क्योंकि टिकट ना पकड़े मैं,
तो वो बैठ के मैं मुंबई के ऊपर, मैं मुंबई की तरह मैंने रवाना हो गया, तो मैं भीटी में उतरा। भीटी में बहुत सारा लोग है, बहुत सारे लोग के बीच में भीड़ में आ गया, लेकिन मेरा कुरमुरा खत्म हो गया, कहाँ जाना है वो मुझे पता नहीं, बस मैं खाली बॉम्बे आ गया। और जैसे ही बॉम्बे आ गया, ऐसे ही मुझे लोगों की नजरें, लोगों के वो बातें, तो मैं बंगाली आदमी हूँ, हिंदी मुझे आता नहीं है, वो क्या बोल रहा मुझे समझ में नहीं आता है, तो मेरा कुरमुरा खत्म हो गया। तो ख़त्म होने के बाद इडली जो खा के वो फेंकता था, तो मैं इडली को, मैं इडली वाइट होता है, तो हमारे बंगाली में क्या होता है, जो भी वाइट है ना वो मीठा होता है, मैं मीठा समझ के वो खा लिया, देखा वो मीठा नहीं है, वो फीका है। तो अपनी पेट भरने के लिए मैंने रोज वहाँ पे जाके इडली खाता था, वहाँ पे बर्तन साफ करता था, पुलिस का मैं मार खाया, गाली खाया, और करते 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 मैं ट्रेन में आया जूह चौपाटी। तो जूह चौपाटी में मैं आदमी के पैर मालिश करना वो शुरू कर दिया, जूह चौपाटी में मैंने कचरा चुनना मैंने शुरू कर दिया, जूह चौपाटी में सी पेंसिल एक होटल हुआ अभी भी है। लेकिन लेकिन वो सब करते सपना क्या था अभी, जो जो आप बता रहे हो कि आपने सब कुछ किया, वो सपना क्या था, वो कर क्यों रहे थे, क्या मंजिल थी आपकी? मैंने वो देख के आया ना, बस बड़ा बड़ा चकमका शहर है, बस यहाँ पे कुछ करना है मुझे, मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं मुझे कुछ बनना है, बस पैसा कमाना है, और मम्मी को मुझे हेल्प करना है, मेरे घर को मुझे हेल्प करना है, और जो गरीब जो मेरा घर है, मतलब मेरा घर जो बम्बू से जो बना हुआ था, मैं चाहता हूँ उसको पक्का बनाऊँ, और मम्मी की में बहुत सारे बाधा है, मतलब मेरे को मम्मी को बहुत सारे करना था, जो हम गरीब से जिया है, हमने कभी अच्छा चीज़ कभी खाया नहीं है, तो डैडी मम्मी ने हमारे लिए बहुत सारे चीज़ खुद नहीं खा के वो हमें लेके आए खिलाया। मैं चाहता हूँ मैं उनको ऐसा कुछ चीज़ दूँ जो उनको भी अच्छा लगे, ऐसा बोल के मैं आया। और जूह चौपाटी में मैं बाद में सी पेंसिल के बाहर एक कचरे का डब्बा हुआ करता था, जो आज भी नहीं है। तो रात के 3 बजे ब्लैक थैली में कचरा मतलब खाना आता था, हम लोग 4-5 भोजन थे, तो कचरा वो थैली को हम लोग फाड़ते थे, और उसे जो अच्छा जो खाना था वो हम लोग वो चुन के हम लोग खाते थे। उसके बाद हम लोग पैर मालिश कर पर बहुत पुलिस की मैंने मार खाया, मैंने गाली खाया। तो मुझे गांव का एक बंदा मिला, बोलता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तेरे मम्मी की तेरे कितना ढूंढ रहा है, वो रो रहा है। वो 1 साल मेरा बीत गया है। उसके बाद मुझे उसने बोला तू चल तेरे को मैं काम दिलाता हूँ। तो उसने मुझे गजदर बांध बोल के एक जगह है वहाँ पर मुझे काम पर दिलाया, और वहाँ पर फूल की वो दुकान में काम वो काम करने दिया, लेकिन वहाँ पे इतना मुझे मारा मारी करते थे वहाँ पे काम। तो उसके बाद मैंने काम को छोड़ के मैंने एक कांदीवली में एक स्विमिंग पूल है उसके ठीक सामने एक फूल का एक शादी के मंदिर पे मैं काम पे आया। तो वो तभी बी आर बार वो चलता था, अभी बार थोड़ा बंद हो गया, वो लेडीज बार बंद हो गया। तो वो जो सेठ था हमारा वो पी के आते थे, और पी के आने का और मानने का, उसके बाद जब सोता था रात भर दिन भर काम करने का, तो सुई था हम लोग कहीं इतना सुई को गर्म करके यहाँ पे वो डाल देते थे, और बस मैं उठता था और बस मैं काम करता था। तो इतना सहन नहीं मैं कर पाया, तो मैंने क्या किया, जब मुझे देता था खाने के लिए, तो कांदीवली शंकर गली में एक जैन मंदिर है, जैन मंदिर के सामने एक पान का शॉप है जो आज भी है, तो उसको बोला मुझे यहाँ पे ना दुकान खोलना है। तो बोलता है नहीं यहाँ पे आप नहीं खोल सकते। मैंने बोला, उसका हाथ जोड़ा, उसको रोया, मैंने पैर पकड़ा, दुकान मैंने बोला आज बड़ा मंदिर है, जैन लोग का मंदिर है, शायद मुझे बहुत सारा बिजनेस होगा। तो मैंने खोल दिया, जैन लोग तो कुछ हार बार बोले लेता नहीं है, खोलने के बाद धंधा इतना नहीं होता था। तो मैं क्या करता, सामने एक बिल्डिंग था, तो उसके वॉचमैन का 5 रुपये वो देके, उसके बाद नाके आने का, और सुबह 5 बजे मुझे मार्केट से फूल लेके आने का, ये मेरा सिलसिला मेरा चालू था। तो वहाँ पे गणपति में एक एक डांस हुआ, तो मैं डांस किया, कुछ भी किया वहाँ। तो वहाँ के लोग बोलता है यार तुम डांस सीखो, तुम डांस करते हो। मैंने बोला क्या है, मैं फूल वाला हूँ, क्या डांस करूँ मैं, नहीं तुम। तो सामने बोलता, सामने जाओ, एक 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 दुकान है, एक क्लासेस है जिसका नाम है विजन देवनाथ, वो आपको डांस वो सिखाएंगे, वो डांस क्लास वो चलाते। तो मैं 3.5 महीना से लेके वहाँ पर रोज़ जाके छुप छुपे मैं डांस देखता था, और देखने के बाद मेरा कभी मतलब अंदर से फील मतलब ये नहीं होता मैं जाऊँ, क्योंकि मेरा कपड़ा गंदा था, फूल बेचता था, पता नहीं अंदर मुझे कोई धक्का मार के वो निकाल दे। तो छुप छुप के जब देखा, तो मैंने एक दिन वो जमा किया मैंने पैसा 500 रुपये। उसके बाद क्या किया मैंने, जब जमा किया ये मैंने पैसा, उसके बाद मैंने सीधा अंदर मैं क्लासेस के अंदर वो चला गया,